स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube के ऑफिशियल चैनल योर्स टीचर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये टॉप 50 इंडियन ज्योग्राफी, जी हाँ, भारत के भूगोल का टॉप 50 क्वेश्चन का वीडियो है। आप इसको ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर मैं आया हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि भारत किस गोलार्ध में है, मतलब इंडिया जो है किस हेमी स्फेयर में है। तो ये उत्तर और पूर्वी, नॉर्थन एंड ईस्टर्न गोलार्ध में है। इसका पहला जो होगा ऑप्शंस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि भारत देशांतर का मानक समय या म्योत्तर किस स्थान से होकर गुजरता है। मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है इंडिया के मतलब किस स्थान से होकर ये गुजरता है। तो इसका पहला जो है ऑप्शंस इलाहाबाद सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि भारत की समुद्री सीमा तट आधारभूत से डैश नॉटिकल मील की दूरी तक समुद्र में विस्तार है। तो इसका सही आंसर होगा 12 नॉटिकल मील। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका, 12 नॉटिकल मील, यानी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र को किस में विभाजित किया जा सकता है। जो डिजर्ट रीजन है इसको किस किस पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो आंसर होगा हम लोग का विशाल रेगिस्तान और अनाधिक रेगिस्तान, ग्रेट डिजर्ट एंड लिटिल डिजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत का कौन सा राज्य का सबसे लंबा समुद्री तट है। यानी पूछा जा रहा है कि कोस्टल लाइन जो है इंडिया में सबसे अधिक किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी उत्तर दक्षिण दिशाओं में डैश द्वीप में है, किस आइलैंड में है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा अंडमान और निकोबार। ओके, नेक्स्ट है आसाम डैश किस रूप से जाना जाता है, यानी आसाम को किस रूप से जाना जाता है, सॉरी असम है, असम किस रूप में जाना जाता है। तो इसका होगा आंसर लाल नदी और नीले रंग की पहाड़ियों की भूमि, लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन कि भारत और चीन के बीच जो लाइन है वो कौन सी लाइन है। तो मैकमोहन लाइन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में और इसको मैं याद करने का आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि भारत और चीन यानी इसके बीच में जो लाइन है वो मैकमोहन लाइन है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि मैं कौन मोहन, ठीक है, मैं कौन मोहन, और मोहन नाम जो है भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो चीन में किसी आदमी से भेंट हुआ तो पूछा जा रहा है कि तुम कौन, तो बोल रहा है मैं मोहन, कहाँ से, ना भारत से। चिंता नहीं है का, चिंता नहीं है क्या, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो कौन सा लाइन है। तो रेड क्लिफ लाइन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में आए दिन खूनों की नदियाँ बहती है, तो रेड यानी खून। ओके, तो रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा मतलब आपका जल डमरू है यानी स्ट्रेट। तो भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू अलग करता है, तो पाक जल डमरू। ओके, पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भूटान की एक आम सीमा है। तो भूटान की एक आम सीमा कौन सा है, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन देशों में से कौन सा भारत की सीमा नहीं है। तो थाईलैंड जो है भारत की सीमा नहीं है, बाकी ये तीनों है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य अपनी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं यानी शेयर करते हैं। तो आंसर होगा हम लोग का त्रिपुरा। कौन से भारतीय राज्य की सीमाएं
भूटान, चीन और म्यांमार से मिलती है, तो ऑप्शंस होगा सही हम लोग का अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, कि भारत में किस राज्य को सबसे अधिक अन्य राज्यों की सीमाओं की संख्या को छूती है, तो आंसर होगा हम लोग का उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया के हिसाब से विश्व में डैश बड़ा स्थान है, और जनसंख्या में भारत का डैश स्थान है, तो क्या होगा हम लोग का, कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सातवां क्या है, सबसे बड़ा देश है, और पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो नॉर्थर्न जो पॉइंट है वो कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, साउथ ईस्ट पॉइंट, तो हो जाएगा आंसर इंदिरा पॉइंट, क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन कि भारत में पूर्वतम बिंदु है यानी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो की बीथू, की बीथू, ऑप्शंस 4। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट में उच्चतम बिंदु है, द हाईएस्ट पॉइंट इन द ईस्टर्न घाट इज़, क्या कहा जाता है, तो महेंद्री गिरी कहा जाता है, महेंद्र गिरी यानी आंसर होगा पहला। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पश्चिमी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा है, द हाईएस्ट पिक इज वेस्टर्न घाट इज, तो अनाई मुडी होगा इसका सही आंसर पहला, क्या होगा, अनाई मुडी, यानी पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है, अनाई मुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं कि कौन सा राज्य भारत का सबसे पूर्वी भाग में है, विच स्टेट इज एट द मोस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग कि थाल घाट मार्ग मुंबई और किसके बीच है, थाल घाट जो रास्ता है या मार्ग है ये मुंबई और किसके बीच स्थित है, तो पुणे के बीच, यानी ऑप्शंस 2 होगा सही आंसर। नेक्स्ट है, माहे पश्चिमी घाट पर मालाबार तट पर स्थित है जो किसका एक हिस्सा है, तो ये पांडुचेरी का एक हिस्सा है, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि दक्कन का पठार मुख्य रूप से बना है किसका, ये जो प्लेट्यू है दक्कन का ये किसका बना है, तो बेसाल्ट चट्टानों से बना है, ऑप्शंस 1। नेक्स्ट है काराकोरम दर्रा यानी जो काराकोरम पास है ये किसकी कड़ी है, तो चीन और भारत की कड़ी है, चाइना एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के दो मौसमी हवा यानी उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु और दक्षिण पश्चिम वर्षा ऋतु, यानी इन दोनों को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है विंटर मॉनसून एंड समर मॉनसून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं कि मिज़ोरम, इसका आंसर होगा कि मिज़ोरम के कुल क्षेत्र का 91.27% जो है वन है, जो भारत में सबसे अधिक है। ठीक है, यानी मिज़ोरम में कुल क्षेत्रफल के हिसाब से वनों का प्रतिशत कितना है, तो 91.27 है, जो भारत में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर वन किस राज्य में है, तो ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं कि भारत की जलवायु को बड़े पैमाने पर किस रूप में डिवाइडेशन किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसून यानी ट्रॉपिकल मानसून टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, द नंबर ऑफ स्टेट इन इंडियाज़, तो हो जाएगा 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं कि भारत में कितने यूटीज़ हैं, तो 7 यूटीज़ है, कितने यूटीज़ है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं, ये दोनों का आंसर मैंने ऑप्शंस के हिसाब से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया, तो राजस्थान,
इसका सही आंसर राजस्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं कि कौन सा क्षेत्र के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। पहला में हो गया राजस्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा MP, यानी 34 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं कि इन राज्यों में से किसकी बिहार की सीमा नहीं है। तो असम जो है बिहार की सीमा नहीं है। असम की राजधानी कहाँ पे है, तो आप लोग को पता होगा दिसपुर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कोहिमा जो है ये किसकी राजधानी है, तो नागालैंड की है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मेघालय की जो कैपिटल है वो क्या है, तो शिलोंग है। ठीक है, गैंगटॉक जो है सिक्किम की है। ठीक है, मणिपुर इम्फाल। ठीक है, नेक्स्ट है तेलंगाना, तो हैदराबाद हो जाएगा। और प्रेजेंट में हैदराबाद जो राजधानी है तो किसकी किसकी है, तो आंध्र प्रदेश की भी है और आपका तेलंगाना की भी है, तो 42 का 3। नेक्स्ट है जो चंडीगढ़ जो है ये किन किसकी किसकी राजधानी है, तो पंजाब और हरियाणा की है, आपको पता होगा। फिर क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित यानी यूटीज जो स्टेट है उसका क्षेत्र केरल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो पौंडुचेरी का जो है उसका क्षेत्र केरल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। फिर बात करते हैं कि तेलंगाना यानी 45 क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि तेलंगाना जो है भारत का राज्य बना कितनेवें नंबर पे, तो 29th नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में हैं। कितने, तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन कि सोन नदी इसमें क्या है, तो गंगा बेसिन की है, यानी द रिवर सोन इज इन द गंगा बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती है, तो आंसर होगा नर्मदा। ये जो नदी है बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि कौन सी नदियाँ राज्य के पश्चिम से पूर्व यानी ईस्टर्न साइड टू द वेस्ट साइड, यानी कौन सी नदियाँ राज्य के पश्चिम से पूर्व हिस्से की ओर बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती जो है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न नदियों में से कौन भारत में आरंभ नहीं होती, तो ये होगा सतलज नदी। और अंतिम क्वेश्चन हम लोग का है, लास्ट क्वेश्चन जो है, महानदी का प्रमुख भाग जो है किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। तो चलिए, हम लोग का ये टॉप 51 क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी का पूरा होता है और बहुत ही जल्द नेक्स्ट इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2 टॉप 50 क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ। और चलते चलते मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने जितना भी क्वेश्चंस बताया है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज़ आप इस सब क्वेश्चन का स्टडी कीजिए, काफ़ी फ़ायदा होगा आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं। तो चलिए, आपको अगर हमारी वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है, और हाँ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक बात कि अगर किसी भी मतलब क्वेश्चंस में अगर आप लोग को डाउट लगता है कि नहीं ये आंसर रॉन्ग है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए। हमें विश्वास है कि हमने जितना आंसर बताया है सही है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। बाय बाय।